नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे MLC चुनाव को लेकर। आने वाले कुछ दिनों में बिहार में विधान परिषद का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी तरह से चूक करना नहीं चाह रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। बिहार विधान परिषद के चुनाव के अगर हम अब तक के चलन को देखें तो इसमें चुनाव में रुपये का खर्च की बात जो है सबसे ज़्यादा सामने आती है। पैसे के कारण ही उम्मीदवारों को हार और जीत का सामना भी करना पड़ता था। ऐसे में अब पार्टियों ने एक नया नियम बना लिया है। MLC के चुनाव में पैसे का खूब खेल चलता है। MLC के उम्मीदवार बनने के लिए पार्टी पहले उसे आंकती है, उस उम्मीदवार के पास कितना पैसा है, उसके बाद पार्टी टिकट देने पर विचार करती है। अब तो पार्टी इस बात पर भी विचार कर रही है कि उम्मीदवार से पहले ही राशि ले ली जाए, ताकि चुनाव के दौरान अगर उम्मीदवार पैसा खर्च करने से मना कर दे तो ऐसे में पार्टी को सीट का नुकसान न हो। ऐसे में पार्टी ने उम्मीदवार के पास कितना पैसा है इसका आकलन पहले ही कर लेगी और एक तीसरा व्यक्ति होगा जो कि उम्मीदवार को पार्टी के बीच की कड़ी के रूप में होगा, उसके पास पैसा जमा होगा और जब चुनाव आएगा तो उसमें इस पैसे को खर्च किया जाएगा। लेकिन यह सामने से नहीं दिखाई देता है, यह सब खेल पर्दे के पीछे होता है। जैसा कि हमने पंचायत चुनाव में जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए खरीद फरोख्त का मामला देखा है, वहीं अगर नगर निकाय चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर देखा है। हालांकि निकाय चुनाव में तो अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव एक तरह से कह लें कि जनता के द्वारा चुना जाएगा। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में भी प्रत्यक्ष चुनाव के तहत जिला परिषद के अध्यक्ष की सीट चुनी जा सकती है। अब तक के हमने देखा है कि चुनाव में पैसे पर होता है तो इसके लिए आयोग एक राशि निर्धारित करती है और आप अपने चुनाव के दौरान कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन MLC के चुनाव में किसी तरह के पोस्टरबाजी, जुलूस, रैली आदि का आयोजन नहीं होता है, इसलिए आयोग यह मानता है कि इसमें किसी भी तरह का खर्च नहीं होता है। इसलिए अन्य चुनाव की तरह इसमें चुनाव के दौरान कितना खर्च करना है इसको लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन पर्दे के पीछे जो सच्चाई है वह आम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। MLC बनने के लिए आपके पास एक मोटी रकम होनी चाहिए। हालांकि अभी सभी राजनीतिक पार्टियों के पास उम्मीदवार बनाने के लिए अलग अलग नियम हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं। आने वाले कुछ दिनों में बिहार में MLC का चुनाव होना है और इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों के पैसे को टटोल रही है कि किसके पास कितना पैसा है और उसे कहां से टिकट दिया जाए। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।